friends. So today I'm going to show you something new, something surprise. Okay. So just hold on. So guys, here there is a Tron helmet. Looks awesome. So guys, let's see how to make this. I think you all will love it. Okay friends. Hello friends, so now we will start the process of making a Tron helmet. So for making this Tron helmet, you required this light EL strip. Okay, there are multiple colors options are available. You can select which color you want. Scissor, 9 volt battery, connector, Fevikwik, double side tape, paper tape. Don't take a plastic tape. Take a paper tape for making a rough design. And need a helmet. So now I'll open this light. So this is a lemon green color light. Okay. So it comes with a controller and 12 volt socket. Actually, it is this light is used for in the car dashboard. So it comes with this adapter. So we are going to remove this adapter and we will try it with a 9 volt battery, because after attaching this to a helmet, it will be difficult to attach to a battery and we will need a long wire. So we are going to place this battery on the helmet and we are going to remove this wire. Okay, so we will remove this wire and we will see whether it works or not. Okay friends, the light is glowing now with the 9 volt battery. So now we are going to use the 9 volt battery only. So first of all, we are going to make a rough design, and after making the rough design, finalizing the rough design, we will stick it with a Fevikwik. So what are we going to do? The length of this wire is 2 meters. Okay, the length of this wire from here to the end to this tip is 2 meters. So we are going to start from the end. The design we are going to start making from the end so that it becomes a, it gives a symmetry design. So we start from here, from here. One wire will go here and another wire will go here. तो फ्रेंड्स, ये मैंने रफ डिज़ाइन एक बना लिया ऐसे पेपर टेप से लगा के. आप देख सकते हो डिज़ाइन. मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए स्टार्ट से यहाँ से एंड से स्टार्ट किया था. तो ये फर्स्ट, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो एंडिंग पॉइंट था, दोनों को पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट चिपका दिया और यहाँ से उल्टा स्टार्ट किया था डिज़ाइन बनाते होने का, ताकि ये डिज़ाइन एकदम सिमेट्रिक आपकी आ जाए. तो इसके अभी मैं क्या करूँगा, ये टेप बाद में निकालूँगा, पहले मैं इसे सारा फेविक्विक से चिपका दूँगा. पहले ये जो स्ट्रिप्स जो भी है, ये स्ट्रिप, इस स्ट्रिप पहले से पूरा मैं यहाँ से फेविक्विक से पूरा चिपका दूँगा और फिर टेप निकाल दूँगा. और फिर इसका जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसे हम यहाँ पे ग्लू गन से इसको यहाँ पे लगा देंगे. यहाँ पे ग्लू गन से इसे लगाएं ताकि अगर निकालना तो निकाल भी सकते हैं. फेविक्विक से क्या एकदम से चिपक जाएगा. ये
इस तरह से यहाँ पे बैटर ऐसी आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन अब मेरा रेडी हो चुका। तो सबसे पहले मैंने ये पेपर टिप से मैंने पहले रफ डिज़ाइन पहले बना लिया था, और उसके बाद मैंने इसको फेविक्स से सारे स्ट्रिप्स पे मैंने यहाँ पे फेविक्स से लगा दिया मैंने इसे। अब इसका जो कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर अब बैटरी में यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे पीछे इस तरह से ऐसे ऐसे। और ये बैटरी में पहले मैं ब्लैक कलर का पूरा सेलो टेप लगा दूंगा, ब्लैक सेलो टेप लगा के इसे इस तरह से यहाँ पे ग्लू गन से इसे लगा देंगे। इसे जब भी कनेक्ट करना हो तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए लाइट भी स्टार्ट हो रही है, स्ट्रिप ग्लो हो रही है। जब भी आप अपन नहीं यूज़ करना तो ये कनेक्टर निकाल देने का। और एक कंट्रोलर में जो है एक्चुअली बड़ा वायर था इसमें, तो मैंने इसको कट करके मैंने इसको छोटा कर दिया। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा वायर से तो मैंने कट कर दिया उसको। और ये जो वायर था इसमें ब्लैक कलर का, इसमें वायर आता है ये वाला, तो मैंने उसको टेप से मैंने उसको बांध दिया। मैंने उसको एक्स्ट्रा वायर जो था ये टेप से मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया। अब इसको ग्लू गन से मैं यहाँ पे इसको ऐसे लगा दूँगा। इसमें एक्चुअली दो होल्स भी है यहाँ पे दिया हुआ स्क्रू लगाने के लिए। तो अगर आपको आपके पास अगर छोटा सा ड्रिल मशीन अगर, तो यहाँ पे ड्रिल करके आप इसको यहाँ पे ऐसा फिक्स भी कर सकते हो उससे, आप छोटे स्क्रू से। नहीं, मेरे पास ड्रिल मशीन होती है, मेरे पास है नहीं, तो मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगा। और ये जो स्ट्रिप है ये ऐसा आता है, EL स्ट्रिप इसे कहते हैं, EL इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस प्रोडक्ट। ये मतलब इसमें एक्चुअली स्ट्रिप भी आती है, ये वायर है एक्चुअली, EL वायर है और EL स्ट्रिप भी आती है। लेकिन एक्चुअली मैं मार्केट में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है। तो EL स्ट्रिप भी अगर मुझे एक बार मिला तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये नॉर्मली आपको किसी भी बाइक वाले के पास आपको मिल जाएगा, जो मतलब फैंसी प्रोडक्ट्स अगर रखता है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। और वहाँ नहीं मिला तो ये आपको डेफिनेटली आपको फोर व्हीलर वाले के पास आपको मिल जाएगा, जो फोर व्हीलर के सामान रखता है, फैंसी चीज़ें जो भी रखता होगा, जैसे स्टेरिंग व्हील हो गया या रिम्स रखता है, कोई फैंसी चीज़ें जो भी कोई भी रखता होगा, उसके पास ये आपको मिल जाएगा। और अगर जो बॉम्बे में रहने वाला जो भी है तो उसे ये अपना ग्रांड रोड पर मिल जाएगा, ना तो फिर चंडी रोड पर उसको ये मिल जाएगा। चंडी रोड पर ओपेरा हाउस में, वहाँ पर फोर व्हीलर्स का बड़ा मार्केट है वहाँ पे ओपेरा हाउस में, तो वहाँ से ही आपको कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। मैक्सिमम से सभी दुकान से ही आपको ये मिल जाएगा ये प्रोडक्ट आपको। तो अब मैं फाइनल पे आ जाता हूँ। अभी खाली मुझे ये ग्लू का यूज़ ये सेलो टिप से लगाना, ये नया बैटरी में लिखा मैंने जो पहले जो दिखा था पूरा थोड़ा सा ओल्ड था, तो नया लेकर आया हूँ। इसमें आपका अगर आप अल्कलाइन बैटरी अगर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगा उस पर, उसका ग्लो जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा आपको। ये नॉर्मल वाला मैंने यूज़ किया, तब मैं इस पर सेलो टेप लगा के इसे यहाँ पे ग्लू गन से मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, तो ये मेरा प्रोजेक्ट अभी मेरा कंप्लीट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा कंप्लीट कर दिया मैंने प्रोजेक्ट। ये देख सकते हैं ये कंट्रोलर यहाँ पे मैंने ऐसे ग्लू गन से मैंने लगा दिया है। 9 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पर अटैच कर दी, मैंने इसका कनेक्टर भी मैंने इसका लगा दिया है, और ये ग्लो भी हो रहा है। तो एक बार ट्राई करते, एक बार पहन के देखते एक बार। तो लुक्स आर ऑसम। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, मैंने इस पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया। मैंने पहले एक्चुअली स्विच नहीं लगाया था, मैं सोचा कि डायरेक्ट एक कनेक्टर यहाँ पे लगा दूँगा, तो लेकिन एक आइडिया आया कि चलो एक स्विच लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है, जिसे कभी भी चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये स्ट्रिप अगर आप चाहे तो आप स्कूटर में बाइक में भी लगा सकते हैं, अगर आपको सीट के नीचे लगा सकते, सीट के नीचे लाइनिंग के पास लगा सकते हैं, फेयरिंग पर लगा सकते हैं, बॉर्डर पर। और अगर आपके पास स्कूटर है, एक्टिवा है या एक्सेस है या स्कूटी है, तो फ्रंट पैनल के साइड पर लाइनिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस,
ओके, और भी कुछ वीडियोस मैं करने वाला हूँ, अगर मुझे और भी कुछ ऐसा सामान मिला कुछ ऐसा नया तो डेफिनेटली उसके लिए भी मैं वीडियोस में पोस्ट करते रहूँगा। ओके गाइस, बाय, हैव अ गुड डे।